Happy birthday to you. Happy birthday, dear cute auntie. जैसा कि बर्थडे व्लॉग के पार्ट वन में आपको दिखाया था कि हम माँ बागेश्वरी मंदिर गए हुए थे और वहाँ पर जो स्थानीय लोगों से बातचीत हुई थी तो उसका थोड़ा बहुत जो अंश था वह आपको दिखाया और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। सच में जी मज़ा आ गया वो देख करके। फिर जी माँ बागेश्वरी का दर्शन करके हम लोग निकल लिए पूर्णिया सिटी की तरफ। तब इतना स्पेशल जन्मदिन मना था? कभी नहीं, बस खाली घर में केक वेक कट जाए बस हो गया। ऐसे स्पेशल इंसान से भी भगवान ने मिलाया है ना। हम लोग का अभी तक मतलब सुबह उठे कुछ प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं, कुछ था करने का, बस अचानक से प्लानिंग है। और हमारा प्लानिंग हरदम ऐसे ही बनता है। शिमला भी ऐसे ही गए थे, कसौली भी ऐसे ही गए थे, चाहे कहीं भी घूमने गए हो ऐसे ही अचानक प्लान बन जाता है। रात्रि कसौली जाने का तो मॉर्निंग में प्लानिंग बना, बस कपड़ा पहनो निकलो। और जहाँ का भी प्लानिंग किए हैं वो करेंगे, फेल हो जाता है, सारा प्लानिंग फेल हो जाता है। आज तक हुआ ही नहीं, इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि कोई प्लानिंग नहीं करें, क्योंकि प्लानिंग करेंगे मालूम है फेल होना है। A few moments later. अभी हम पूर्णिया के डोमिनोज के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, हम दे देंगे। और यहाँ पर जिया जो है बाकी सभी क्रिएटर ने इतना स्पेशल बनाने के लिए आप लोगों को, तो जितने भी बाकी क्रिएटर हैं हमारे जो इंस्टाग्राम रील पर है, जो पहले टिकटॉक पर बनाते थे, वो सभी ने एक साथ वीडियो कॉल किया है जिया को विश करने के लिए। तो वो पार्ट आपको अभी दिखाएंगे इसके बाद। तो कैसा लगा उन सबसे बात? बहुत अच्छा लगा, इतना स्पेशल बना दिया उन लोगों ने, पूछो मत, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा सरप्राइज था। अब यहाँ देख रहे हैं डोमिनोज का, अब सोच तो रहे कि ऑर्डर तो कर ले हम लोग, ले भी ले, लेकिन खाएंगे कहाँ पर लेकर के, कहीं जगह भी नहीं है बैठने का। और कहीं बगल में खेत खलिहान सब है आगे, तो तब तक ठंडा हो जाएगा वहाँ जब तक ले जाएंगे। जी क्या करते हैं जी, हमने ऑर्डर तो कर दिया है, अब कहीं पर ये बोल रहे हैं कि बगल में कुछ होटल सब है, आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ से कुछ ऑर्डर करके वहाँ बैठ जाइए। बताइए जी अब आ गए हैं तो बिना खाए तो जाएंगे नहीं हम लोग। और एंट्री मिलने की आपको कहानी बताता हूँ, जो से नहीं बोलूँगा शायद वो सुनना नहीं, इसकी कहानी मैं बाहर निकल के आपको बताऊँगा। यहाँ से पूछ लेते हैं कैसा लगा आखिर अंदर? थैंक यू सो मच, मेरे पति ने मेहनत किया, एंट्री नहीं मिलती और फिर यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। ये जो आप कैरी बैग देखते हैं, ये हमारा ऑर्डर डाला था बाहर और उन्होंने डिलीवरी बॉय ने फोन भी किया, कहाँ हुआ हमके डोमिनोज के अंदर हंसने लगा हुआ। और जिया सुबह से कुछ नहीं खाई थी और जिया का भी व्रत टूट रहा है पिज्जा से। कौन कौन अपना व्रत पिज्जा से तोड़े हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जी हम लोग अभी खाकर बाहर आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है? तो जी हुआ ये कि उन्होंने तो मना कर दिया था कि एंट्री नहीं मिलने वाली है, हम भी कह दिए चलो नहीं मिलेगी अब क्या करेंगे, कोशिश की हमने। फिर क्या हुआ जब वहाँ से सारी भीड़ हट गई वहाँ से, तो हम जाकर कहे भैया प्लीज कटिहार से पूर्णिया आए हैं स्पेशली पिज्जा खाने के लिए, मेरी वाइफ का जन्मदिन है, प्लीज जन्मदिन खराब नहीं करो, प्लीज कुछ पैसे भी ले लेना है तो ले लो। अरे भैया पैसे की बात नहीं है, रुकिए हम अंदर बात करते हैं। तो उन्होंने अंदर जा करके बात किया, फिर कहा कि चलिए जी आप लोग आ जाइए, अपना मास्क सब लगा लीजिए, सैनिटाइज सब कर लीजिए, जो प्रोसेस होता है वो सब किया और हम लोग अंदर गए और हम लोग अपना अंदर में खा लिए अच्छे से आराम से। तो मज़ा आ गया जी। और जिया के बर्थडे में भी एक ये ट्विस्ट ही हो गया, वैसे हम जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई ट्विस्ट होता है, मेरा पूरा लाइफ ही ट्विस्ट से भरा है, कोई चीज़ सिंपल नहीं होता है मेरा। तो अब यहाँ से चलते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जाते जाते एक दो और मंदिर है वह भी घूम लें, फिर हम लोग अपने घर चलेंगे जी। जब हम वहाँ पर खाए तब थोड़ा शरीर में लगा कि हाँ जान आया है अब जी। बात क्या है कि दूरी तो ज़्यादा है नहीं, दूरी ज़्यादा थी नहीं, लेकिन था ये कि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं थे, ऊपर से रोड जो इतना उबर खबर, और उस रोड की वजह से जितना हमें भूख लगा था उसका दोगुना भूख लगने लग गया। तो उसके बाद हम लोग खाए जी और खाकर हम लोग निकल लिए माँ पूरन देवी मंदिर। तो माँ पूरन देवी मंदिर की तरफ जो है जब जा रहे थे तो हमें थोड़ा रास्ता ध्यान नहीं था, बहुत दिन पहले आए थे हम यहाँ पर, इस बार सोचे थे कि नहीं जीपीएस देख करके नहीं जाएंगे, लोगों से पूछ पूछ करके ही जाएंगे, जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करता था जब जीपीएस का उतना प्रचलन था नहीं।
तो जी फिर लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया और हम लोग निकल लिए माँ पूरन देवी मंदिर की तरफ। और फिर जी कुछ देर बाद हम लोग माँ पूरन देवी मंदिर पहुँच भी गए और आगे का जो भी नज़ारा है आप लोग देखिए। जी यह जो पूरन देवी का मंदिर है यह काफ़ी ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आप कोई भी मन्नत मांगो तो माता रानी आपकी मन्नत को ज़रूर पूरा करती है। और ध्यान है अच्छे से कि मम्मी पापा यहाँ पर लगातार आया करते थे। जी अभी अभी हम लोग घर आए हैं कुछ देर पहले और अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, घूमने में ही इतना समय लग गया तो घर में देख रहे हैं जितना कुछ भी बन जाए। अभी तो हम प्याज काट रहे हैं, जिया खीर बनाने का तैयारी कर रही है और पनीर मार्केट से ले आए हैं, जितना हो सकेगा करेंगे। और जो हमारे साले साहब हैं वो केक भी लेकर के आ रहे हैं तो बहुत ही हड़बड़ी में बहुत ही जल्दबाजी में जितना भी सेलिब्रेशन हो सकता है। अभी बज रहे हैं रात के 8:15 बज रहे हैं तो अब 4 घंटे बाद तुम्हारा बर्थडे का डेट खत्म हो जाएगा। तो आखिरी 4 घंटे में जिया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लग रहा है हमारे सारे साहब का फोन आ गया, वो केक लाने गए थे। हेलो हाँ पूछे थे ये कैंडल कौन ले लेंगे, नंबर वाला क्या ले लेता है वही क्या? हैप्पी बर्थडे बड़ा वाला लिखा हुआ जो रहता है बैलून जैसा ही रहता है। बुला पाओगे? हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ रहता है तो तुरंत मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तब ले लो, और यहाँ पर केक पूरा सेट हो रहा है और वहाँ पर किसी तरह से आर और एच को मिस किए हैं, मतलब फिक्स किए हैं ना। ओए होए लग रहा है इसमें आर एच और एच को जानता है क्यों दिक्कत है, रिया यहाँ पर है नहीं। अच्छा तो रिया हैप्पी नहीं है तो एच गिर रहा है बार बार। रिया दुखी हो गई, हर साल मनाते थे इस बार नहीं मना पाए। हैप्पी बर्थडे जिया, मुझे बुझ ही नहीं रहा है। तुम्हें नहीं बुझा पाई तुम इसको, बुझ के जल जाता है। तुमको दम ही नहीं है बुझाने का, क्या बुझाएगी आपको तो बहुत। तो इस तरह से हमारा बर्थडे का समापन हुआ है। आपका बर्थडे? अच्छा हमारा बर्थडे बोले, एनिवर्सरी का याद आ गया अब हमको। जब तक बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय भूत से मनाए तो फिर बिल्कुल कैसे पता चलता है कौन है बर्थडे? आप मालूम चल रहा है ये बर्थडे का। तो अब हम लोग खाने चलते हैं। जी आप बहुत ही टेस्टी है, एकदम पनीर बना करके रखी है, खीर बना करके रखी है, पूरी बना करके रखी है। A few moments later.
दीदी कैसा बनाई है तुम्हारी? देख के तो अच्छा ही लग रहा है। अब चख के बताओ कैसा है? पनीर बढ़िया बना। पनीर बढ़िया है, खीर चख लो। ठीक है, बढ़िया। अगर खिंचा रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, वही जुआ जाता है तो उसमें टेस्ट नहीं लगता। ये खिंचा वाला ठीक लग रहा है, फर्स्ट क्लास। दो दो और दो, ज्यादा मत दीजिए। खाओ ना अच्छे से। बहन बनाई है, घींच के ले जाओगे तुम? बहन बनाई है तो पेट पे भी ला दीजिए। वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गई है। एक सेकंड में कहीं बैठ जाती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल बन गया मेरा बर्थडे आप लोगों की वजह से। कभी नहीं बोलूंगी। Happy birthday to you. Happy birthday.